अब इंट्रोडक्शन से, जैसा मैंने बोला कि इस पूरे सेशन में, मतलब जो हमारा पूरा जो क्लासेस रहेंगी सारी की सारी, उसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद हमारा स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट जावा एप्लीकेशन, जो बेसिक जावा एप्लीकेशन है वो हम इसको चला के देखेंगे। उसके बाद हम लैंग्वेज फंडामेंटल्स लाइक वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं एंड सो ऑन। उसके बाद पैटर्न्स, ऊप्स, इनर क्लासेस, रैपर क्लासेस, पैकेजेस कैसे बनाते हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, मल्टी थ्रेडिंग, आईओ स्ट्रीम, नेटवर्किंग, आरएमआई, कलेक्शन, जेनरिक्स, जीयूआई, आरएमआई। इसके बाद एनोटेशंस हम देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन, गार्बेज कलेक्शन, जेवीएम का आर्किटेक्चर देखेंगे, और उसके बाद हम जेडीबीसी बेसिक्स पे आएंगे। तो इधर आपका कोर जावा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जेडीबीसी के बाद हम इसके अंदर जेएसपी और सर्वलेट भी इसमें इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? ठीक क्लियर है सर। है, अब इसमें एक बार हेडिंग डाल लो लाइक जावा हिस्ट्री, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जो जावा है, जावा वाज क्रिएटेड बाय सन माइक्रो सिस्टम, जो कि विच इज सर नाउ। हेलो, मेरे को सर ये लिखना है। हाँ लिखना है। ठीक है तो सर आप बोल दीजिए फिर। हाँ, नोटबुक निकाल लो उसमें। तो निकली ठीक है, हेडिंग डाल लो जावा हिस्ट्री, डाल हिस्ट्री, लिया। ठीक है, जावा हिस्ट्री हेडिंग डाल लो। इसके अंदर लिखो जावा वॉज क्रिएटेड बाय सन माइक्रो सिस्टम, जावा वॉज क्रिएटेड बाय सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम, हाँ, सन माइक्रो सिस्टम विच इज नाउ एक्वायर्ड बाय ओरेकल कॉरपोरेशन, विच इज नाउ, विच इज नाउ। एक्वायर्ड बाय ओरेकल कॉरपोरेशन। अगला पॉइंट इसमें लिखो, द मेन ऑथर ऑफ जावा इज जेम्स गॉसलिंग, द द मेन ऑथर ऑफ जावा इज द मेन ऑथर ऑफ जावा इज जेम्स गॉसलिंग। लिख लिया। इसमें अगला पॉइंट लिखो, द ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव टू प्रिपेयर जावा द ऑब्जेक्टिव टू प्रिपेयर जावा जी सर इज टू यूज इस टू यूज इन सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमिंग गुड्स। जी ठीक है, क्लियर है इतना? सर ठीक है, इट्स इनिशियली प्रोजेक्ट नेम एज ग्रीन, इट्स इनिशियली नेम्ड एज ग्रीन। जावा का जो फर्स्ट नेम था वो आपका ग्रीन था। ग्रीन। हाँ, ग्रीन नाम से पहले इसको क्रिएट करा था। लिख लिया। जी सर मैंने लिख लिया। ठीक है, द फर्स्ट वर्जन द फर्स्ट वर्जन
जेडीके 1.0, फर्स्ट वर्जन जेडीके 1.0 जी सर। वॉज लॉन्च्ड इन 23rd Jan 1996। 21 23rd Jan 1996। हो गया सर। ठीक है, इसमें ये लिखो, इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिख लिया सर। ठीक है, इट्स फीचर्स आर इट्स फीचर्स आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रोबस्ट। क्या सर? इट्स फीचर्स आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रोबस्ट। रोबस्ट। हाँ, तो स्क्रीन पे मैं लिखता भी जा रहा हूँ। जी सर, मैं वही देख रहा था। पोर्टेबल डायनेमिक एंड सिक्योर। ठीक है, और भी फीचर्स हैं, मेन फीचर्स इसमें लिख दिए हैं। एस एक्स्ट्रा। एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद जो फर्स्ट वर्जन था 1996 में जो लॉन्च हुआ था जेडीके 1, उसके बाद आपके बहुत सारे वर्जन्स आए, जेडीके 1.1, 1.2, 1.3, देन 1.4, देन 5। जो मेन जो पॉपुलर वर्जन था मेनली जो आपका था, आपका जेडीके 6 या जावा एसी 6 हम बोलें, और उसके बाद एक था जेडीके 8, जावा 8। ठीक है, ये तो मेन पॉपुलर वर्जन थे। करंटली आई थिंक इट्स रनिंग अराउंड जेडीके 20। एक बार देखना जावा का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। गूगल पे कर रहा हूँ एक मिनट हाँ, सर। एक बार देखो। JDK 21 है सर। हाँ, कब लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है आपका 19 सितंबर 2023। ओके, ठीक है, इसमें लिख लो जेडीके 21 इज द लेटेस्ट वर्जन लॉन्च्ड ऑन 19 सितंबर। ये हर 6 मंथ्स में, आई थिंक मार्च में आई थिंक आने वाला है इनका लेटेस्ट वर्जन, तो उसमें या तो ये सब वर्जन इसके अंदर लॉन्च करेंगे आई थिंक, तो और अगले साल आई थिंक 22 आ जाएगा। ठीक है, हर 6 मंथ में एक वर्जन ये लॉन्च करते हैं। ठीक है ना? जी सर। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन और लिख लो जो आपका 19 सितंबर 2023 को लॉन्च करा है इन्होंने। आई थिंक आने वाला होगा अब इनका नेक्स्ट वर्जन, मार्च में आएगा इनका। इनके अगर आप, हाँ अगर आप इनका पैटर्न देखोगे तो ये एक वर्जन जैन में लॉन्च करते हैं, सॉरी मार्च में, और एक वर्जन आपका सितंबर में। ठीक है, मैं इनका पूरा का पूरा हिस्ट्री शीट है वो और शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, इतना लिख लिया हमने। जावा जो है वॉज क्रिएटेड बाय सन माइक्रो सिस्टम विच इज नाउ एक्वायर्ड बाय ओरेकल कॉरपोरेशन। हिज ऑथर वॉज जेम्स गॉसलिंग। विच दिस जावा इज क्रिएटेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड इट इज नेम्ड एज ग्रीन इनिशियली, आफ्टर दैट इट नेम्ड एज ओक एंड आफ्टर दैट इट नेम्ड एज जावा। ठीक है, फर्स्ट वर्जन इज जेडीके 1.0 विच इज लॉन्च एट 23rd Jan 1996। इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इट्स फीचर्स आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रोबस्ट पोर्टेबल डायनेमिक एंड सिक्योर। ठीक है, इट्स लेटेस्ट वर्जन टिल डेट लाइक 20, आज की डेट हमने डाल रखी है
टिल डेट इज जावा 21 विच इज लॉन्च्ड ऑन 19 सितंबर 2023। क्लियर है इतना? क्लियर है। ठीक है, अगला इसमें टॉपिक डाल लो डिफरेंस बिटवीन जावा एंड अदर्स। ठीक है, थोड़ा सा हम और सी सी प्लस प्लस को कंपेयर करके चलेंगे जावा से, ताकि हम थोड़ा सा फीचर्स को देख पाए कि सी सी प्लस प्लस और जावा में क्या डिफरेंस है। हेडिंग डाल लो डिफरेंस बिटवीन जावा एंड अदर्स। अदर्स की अगर बात करें तो सी और सी प्लस प्लस। जी सर। ठीक है, पहला पॉइंट डालो इसमें, सी एंड सी प्लस प्लस आर स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन है ये, सी एंड सी प्लस प्लस आर स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एंड सी प्लस प्लस आर स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी सर। बट जावा इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट जावा इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब इस पॉइंट को एक बार डिस्कस करते हैं। इसमें अंदर लिखो इफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसी के अंदर सर। हाँ, ये क्वेश्चन था, अब इसका आंसर लिखो। इफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज मेमोरी एलोकेशन मेमोरी को देना जी सर। फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एट कंपाइलेशन टाइम, If any programming language allows memory allocation for primitive data types at compilation time, bracket में लिख लो static time, if any programming language allows memory allocation for primitive data types at compilation time, bracket में लिख लो static time, then that programming language is called as static programming language. Clear है? Static programming language. हाँ, for example C and C++. लिख लिया जी। अगला पॉइंट लिखो, इफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर, पॉइंट के क्वेश्चन नहीं नहीं पॉइंट, ये एक पॉइंट था इसमें। हाँ, इसमें अगला पॉइंट लिखो, इफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जी सर अलाउज मेमोरी एलोकेशन allows memory allocation allocation at runtime for primitive data types not at compilation time not at compilation time then that programming language is called as dynamic programming language.
then that that program language called as dynamic programming language. क्लियर है जी सर. इसमें लिख लो फॉर एग्जाम्पल जावा. लिख लिया. लिख लिया. ग्रेट ग्रेट. तो हमने ये देखा इसके अंदर अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके कंपाइलेशन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को देन दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक डेटा टाइप. ठीक है, स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका जो मेमोरी एलोकेशन है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए रन टाइम पे एलोकेट करता है तो दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड एज डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सर इसमें मेमोरी एलोकेशन तो सेम है दोनों में. हाँ, लेकिन आप ये देखो ना, एक में कंपाइलेशन टाइम में हो रहा है, एक में रन टाइम में हो रहा है. अच्छा, मतलब वो कंपाइल करते समय होता है, इसमें रन करते समय होता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इसको देखेंगे आगे और क्लियर देखेंगे इसको. इतना लिख लिया जी सर. अगला पॉइंट लिखो इसके अंदर, सेकंड पॉइंट लिखो इसके अंदर, मतलब अगला क्वेश्चन लिखो. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन बोली प्री प्रोसेसर. हाँ, प्री प्रोसेसर इज रिक्वायर्ड इन Required in C and C plus plus. C and C plus plus. But preprocessor is not required in Java. लिख लिया क्वेश्चन जी सर. ठीक है, इसमें अंदर लिखो, इसका आंसर लिखो. इन केस ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस, इन केस ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस जी सर, द कंप्लीट प्री डिफाइंड लाइब्रेरी, द कंप्लीट प्री डिफाइंड लाइब्रेरी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर फाइल्स, इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर फाइल्स. एग्जाम्पल, जैसे हम जब कभी भी कोई सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर देखा होगा हम ऊपर दो लाइन जरूर लिखते हैं. पहले दो लिखते थे, अब तो शायद एक लिखते हैं. तो इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैशटैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच, याद है सी में? याद है सर. है ना, सी सी प्लस प्लस में भी ऐसी होता है, कोई भी लाइब्रेरी होती है तो हम उसको इंक्लूड कराते हैं ऊपर हेडर हेडर के साथ. हाँ बिल्कुल, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें ऊपर ये दो लाइन लिखते ही लिखते हैं. है ना, कोई अगर जैसे मैथ की लाइब्रेरी करनी है तो हैशटैग इंक्लूड मैथ डॉट एच, लिख के दिखाता हूँ स्टूडियो डॉट एच ऐसा कुछ लिखते हैं ना, हैशटैग इंक्लूड conio.h. तो ये क्या है, आपकी हेडर फाइल्स है ना. अब इसमें आगे लिखो, इसमें लिख लो, ये तो एग्जांपल लिख लो. फॉर एग्जांपल इंक्लूड studio.h, उसके बाद हैशटैग इंक्लूड conio.h. ये एग्जांपल है. हाँ एग्जांपल है सी का. कोई भी हम प्रोग्राम लिखेंगे सी में तो हमें लाइब्रेरीज इंक्लूड करानी पड़ती हैं इस तरह से हेडर फाइल्स को. ठीक है, ये हमारी हेडर फाइल्स है स्टूडियो डॉट एच स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर हेडर फाइल. ठीक है. ठीक है, अब इसमें लिख लो इफ वी कंपाइल सी एंड सी प्लस प्लस एप्लीकेशन, इफ वी कंपाइल सी एंड सी प्लस प्लस एप्लीकेशन जी सर, then preprocessor will perform the following action.
देन द प्री प्रोसेसर विल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन। इसमें पहला पॉइंट लिखो, प्री प्रोसेसर विल रिकॉग्नाइज ऑल हैशटैग इंक्लूड स्टेटमेंट्स, प्री प्रोसेसर विल रिकॉग्नाइज ऑल, प्री प्रोसेसर विल रिकॉग्नाइज ऑल हैशटैग इंक्लूड स्टेटमेंट्स। रिकॉग्नाइज हैशटैग इंक्लूड स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स। सेकेंड पॉइंट लिखो, प्री प्रोसेसर विल टेक ऑल स्पेसिफिक हेडर फाइल्स, प्री विल प्रोसेसर विल टेक टेक ऑल स्पेसिफिक हेडर फाइल्स फ्रॉम जी सर, हैशटैग इंक्लूड स्टेटमेंट्स। पहले रिकॉग्नाइज कर रहा है, फिर आपका जो भी हेडर फाइल स्पेसिफाइड है उनको पिक कर रहा है। प्री प्रोसेसर विल टेक ऑल दी स्पेसिफाइड हेडर फाइल्स फ्रॉम इंक्लूड स्टेटमेंट। प्री थर्ड पॉइंट लिखो, प्री प्रोसेसर विल चेक वेदर दी स्पेसिफिक हेडर फाइल्स आर एग्जिस्टिंग एग्जिस्टेड और नॉट। प्री प्रोसेसर विल चेक वेदर दी स्पेसिफाइड हेडर फाइल्स प्री प्रोसेसर विल चेक वेदर दी स्पेसिफाइड हेडर फाइल्स आर वेदर सर, वेदर की बात क्या है? द स्पेसिफाइड हेडर फाइल्स आर एग्जिस्टेड और नॉट, आर एग्जिस्टेड और नॉट इन सी एंड सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर। पहले उसने रिकॉग्नाइज करा हैशटैग इंक्लूड स्टेटमेंट्स को, इसके बाद उसने जो भी हेडर फाइल्स इसमें लिखी हुई हैं जैसे स्टूडियो डॉट एच, कोनो डॉट एच, इनको पिक करा। फिर इसके बाद इसने लाइब्रेरी में चेक करा, क्या ये लाइब्रेरी, ये हेडर फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं हमारे सिस्टम में, नहीं करती। प्री इसके बाद अगला पॉइंट लिखो, इफ दी स्पेसिफाइड हेडर फाइल्स, प्रोसेसर फोर्थ विल पॉइंट, रिकॉग्नाइज हाँ फोर्थ पॉइंट, इफ द स्पेसिफाइड हेडर फाइल्स If the specified header files are not existed, if the specified header files are not existed, the preprocessor will generate some error message. सिंपल स्टेप है। पहले क्या करा उसने, हैशटैग इंक्लूड वाली फाइल्स लाइंस को पिक करा है। फिर इसके बाद हैशटैग इंक्लूड के अंदर जो लाइब्रेरीज है, हेडर फाइल्स हैं, उनको पिक करा है। फिर उसने क्या करा, उसको अपने जो सिस्टम है, लाइब्रेरी है, उसके अंदर से चेक करा है कि एग्जिस्ट करती है नहीं करती। अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो क्या करता है, वो एक एरर जेनरेट कर देता है। लिख लिया, विल जेनरेट की बात क्या था सर? सम एरर मैसेज। लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, इफ द स्पेसिफाइड हेडर में फाइल्स इफ द स्पेसिफाइड हेडर फाइल्स फिफ्थ पॉइंट है, इफ द स्पेसिफाइड हेडर फाइल्स जी सर, आर एग्जिस्टेड, इफ द स्पेसिफाइड हेडर फाइल्स आर एग्जिस्टेड, देन प्री प्रोसेसर विल लोड, इफ द स्पेसिफाइड हेडर फाइल्स आर एग्जिस्टेड, देन देन प्री प्री प्रोसेसर प्रोसेसर विल लोड विल लोड द स्पेसिफाइड हेडर फाइल्स, देन प्री प्रोसेसर विल लोड द स्पेसिफाइड हेडर फाइल्स टू द मेमोरी। This This type type of of loading, loading. loading, loading, this type of loading
दिस टाइप ऑफ लोडिंग जी सर प्री डिफाइंड लाइब्रेरी जी सर दिस टाइप ऑफ लोडिंग प्री डिफाइंड लाइब्रेरी एट कंपाइलेशन टाइम इज कॉल्ड एज स्टैटिक लोडिंग लोडिंग स्टेप्स मेरे को थोड़ा सा समझाओगे जो हमने पांच स्टेप्स लिखे हैं सिंपल सिंपल से क्या है उनका मतलब सर पहले रिकॉग्नाइज करता है वो हैशटैग इंक्लूड वाली उसको लाइंस को इसको फिर क्या है कि सर इसमें उसके जो हेडर को होता है विल टेक हेडर फाइल्स हैशटैग इंक्लूड स्टेटमेंट्स उनके जो हैशटैग इंक्लूड स्टेटमेंट है उनके हेडर को फिर सर वो कॉपी में मत देखो आंख बंद करके बताओ अच्छा आंख बंद करके फोकस करो इसमें क्या स्टेप्स हो सकते हैं ब्रेक करो पहला स्टेप है कि भाई जब कभी भी हम सी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उस टाइम पे देखो मैं बिगर देखे बोल रहा हूँ उस टाइम पे क्या करता है वो पहले जो आपकी इंक्लूड स्टेटमेंट्स हैं उनको पिक करता है ऊपर हो नीचे हो कहीं भी हो अभी मान के चल रहे हैं कि जितनी भी इंक्लूड स्टेटमेंट्स हैं उनको पिक करता है सेकंड स्टेप में उसके अंदर जो इंक्लूड के अंदर जो भी लाइब्रेरीज हैं जो भी हेडर फाइल्स हैं उनको पिक कर लेता है उसमें से अलग फैच कर लेता है स्टूडियो डॉट ओच हो गया कोनो डॉट ओच हो गया है ना फिर उसके बाद क्या करता है उन स्पेसिफिक लाइब्रेरीज को सिस्टम में चेक करता है कि भाई ये सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं अब इसके अंदर ट्रू फॉल्स बन जाता है अगर एग्जिस्ट करती हैं तो वो उनको क्या करता है कंपाइल करता है मेमोरी में लोड कर देता है और हमारा कोड आगे चलने लगता है अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या करता है वो एरर शो एरर थ्रो कर देता है क्लियर है जी सर क्लियर हाँ इसका एक चार्ट मैं दूंगा उसको एक बार देख लेना सी का किस तरह से चलता है ठीक है अब इसमें आगे लिख लो ये तो सी और सी प्लस प्लस का हो गया पूरा प्रोसेस है ना अभी हम सी और सी प्लस प्लस को जावा से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं ताकि हम समझ पाए कि जावा के फीचर्स इतने यूजफुल हैं कि नहीं है ठीक है जी ठीक है अब इसमें आगे लिखो इन जावा द कंप्लीट प्री डिफाइंड लाइब्रेरी इन जावा द कंप्लीट प्री डिफाइंड लाइब्रेरी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस इन जावा द कंप्लीट प्री डिफाइंड लाइब्रेरी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस इन पैकेज इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस एक चीज पूछनी थी ये जो सर फाइव स्टेप्स हैं ये तो सर सी एंड सी प्लस प्लस के हैं हाँ तो ये जावा से रिलेटेड कैसे है मेरा मतलब ये देखो कोई भी अगर आप चीज सीख रहे हो तो आपको और चीजों के बारे में भी उसका डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये उससे बेटर क्यों है या सी में मतलब जावा में जो चीज हो रही है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में कैसे होती है हम बोल रहे हैं जावा इज बेटर देन सी एंड सी प्लस प्लस तो किस बिहाफ पे बोल रहे हैं आपसे कोई बोले कि आप यूज कर रहे हो जावा लेकिन ये चीज आप सी में भी बना सकते हो तो आप क्या उसको जवाब दोगे कि हाँ बना तो सकते हैं लेकिन क्यों हम जावा यूज कर रहे हैं समझ रहे हो ये जी सर है ना हमें पहले सी और सी प्लस प्लस के थोड़े से फीचर्स का पता होना चाहिए ताकि हम कंपेयर करके बता पाए कि भाई ये इसके अंदर डिफरेंस है जैसे हमने बताया कि स्टैटिक क्या कहते हैं इसके अंदर स्टैटिक आपका लोडिंग होती है स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी और सी प्लस प्लस और जावा है हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब मान लो आपसे पूछ लिया कि जावा डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लेकिन इसे प्रूफ करो डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे है तो आप कम से कम थ्योरेटिकली ये तो बोल पाओगे कि जावा में जो आपके मेमोरी एलोकेशन है आपका रन टाइम पे होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए समझ रहे हो
सी के अंदर और सी प्लस प्लस के अंदर आपका कंपाइलेशन टाइम पे होता है मेमोरी एलोकेशन, तो उस वजह से वो आपका स्टैटिक टाइप कहलाता है। ठीक है, अब जो लाइब्रेरीज हैं, जो इसकी अगला क्वेश्चन है, जैसे कि प्री प्रोसेसर जो है वो रिक्वायर्ड है सी के अंदर और सी प्लस प्लस के अंदर, जावा के अंदर क्यों नहीं है? प्री प्रोसेसर रिक्वायर्ड है, उसकी वजह से क्या होता है, वो सारा वेरीफाई करता है, उसके बाद क्या करता है वो उसको स्टैटिक लोडिंग करता है उन सब की लाइब्रेरीज की। जावा के अंदर पहले से ही लाइब्रेरी खुद की है उसकी। नहीं, लाइब्रेरी तो सी के अंदर भी है, लेकिन उसके अंदर आपका प्री प्रोसेसर उसको लोड करता है, वही हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर पैकेजेस की फॉर्म में है, हमने जो लिखवाया है ना। अब हम जावा पे आ रहे हैं, अभी हमने सी को समझा, सी प्लस प्लस को समझा, अब हम जावा पे आ रहे हैं। ठीक है, पैकेजेस लोड करने में, इसमें लाइब्रेरी कह लो आप, हेडर फाइल, स्टूडियो डॉट एच, सेम एज इट इज, इसके अंदर आपके पैकेजेस होते हैं। लेकिन अब ये आपका, वो आपका स्टैटिक लोडिंग हो गया, ये आपका डायनेमिक लोडिंग कैसे कहलाएगा, है ना, ये चीज अभी हम समझते हैं थोड़ा सा। और इसमें हमने लिख लिया, इन जावा द कंप्लीट प्री डिफाइंड लाइब्रेरी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस इन द पैकेजेस, लिख लिया। जी सर, ये तो लिख लिया। हाँ, इसमें जावा के एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल जावा डॉट आयो, इनपुट आउटपुट, है ना। अगला लिखो जावा डॉट यूटिल, अगला एग्जांपल लिखो जावा डॉट एसक्यूएल, ये एक बार लिख लो इसकी लाइब्रेरीज, सॉरी पैकेजेस। लिख लिया सर। लिख लिया, इसमें आगे लिखो, इफ वी वांट टू यूज प्री डिफाइंड लाइब्रेरी इन जावा एप्लीकेशंस, इफ वी वांट टू यूज प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज इन जावा एप्लीकेशंस, देन वी हैव टू इंक्लूड, इन जावा एप्लीकेशन, इफ यू वॉन्ट टू यूज प्री डिफाइंड लाइब्रेरी इन जावा एप्लीकेशन, देन वी हैव टू इंक्लूड पैकेजेस इन जावा एप्लीकेशन। पैकेजेस देन वी हैव टू इंक्लूड इन जावा एप्लीकेशन, फॉर दिस, फॉर दिस जी सर, वी हैव टू यूज, और दिस वी हैव टू यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, ठीक ठीक है। अब इसके एग्जांपल लिख लो, हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं लाइब्रेरी इन पैकेजेस को, जावा डॉट आईओ डॉट स्टार, सेम एज इट इज जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, सेम एज इट इज जावा डॉट सीक्वल डॉट स्टार। ठीक है, इनको ये और लिख लो, इसके एग्जांपल। ये हमारा जो कोड के अंदर जो हम इंक्लूड कराते हैं, इस तरह से हम इसको इंक्लूड कराते हैं, इंपोर्ट कराते हैं। नहीं, स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट कहना सर ये सर। हाँ, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। लिख लिया, सर एक मिनट बस, ये थोड़ा सा। एक मिनट आप लिखो, मेरा एक मिनट आ रहा हूँ ना। जी लिख लिया, लिख लिया सर, लिख ठीक लिया। है। इसमें आगे लिखो, आज हम बेसिक बेसिक देख रहे हैं थोड़ा सा भाई, जावा हम यूज कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई सी, सी प्लस प्लस, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से थोड़ा सा डिफरेंस कैसे है। और मंडे से हम इसका बेसिक स्टार्ट करेंगे, और बेसिक तुमने पहले कवर करा हुआ है, तो हम उसको थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। जी सर, और जो हमारा लास्ट टॉपिक था, लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा था जो हमने कवर करा था लास्ट टाइम, एक बार मेरे को बस बता दो कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर करे थे। हाँ, मेरे पे ना, मैं आपको बताऊं, समय मैं दूसरी कॉपी पे काम कर रहा हूं सर। ओके ओके, कोई नहीं, अभी एक बार शेयर कर देना, तो हम उस टॉपिक तक हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ, मेरे को टॉपिक से नाम व्हाट्सएप कर देना, उन टॉपिक्स को हम स्पीड अप करेंगे, क्योंकि
आई एम अज्यूमिंग वो सारे करे हुए हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए तो वो हम उसके लिए टाइम देंगे तुम, है ना? ठीक जी है, सर। अब इसमें आगे लिख लो, इफ वी कंपाइल जावा प्रोग्राम, इफ इफ, वी कंपाइल, हाँ, इफ वी कंपाइल जी, जावा जावा प्रोग्राम, प्रोग्राम देन कंपाइलर विल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस। देन कंपाइलर विल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस, उसमें प्री प्रोसेसर था, इसमें कंपाइलर है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, कंपाइलर विल रिकॉग्नाइज ऑल इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। कंपाइलर विल रिकॉग्नाइज ऑल इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, कंपाइलर विल रिकॉग्नाइज ऑल इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। ऑल इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, सेकेंड पॉइंट लिखो, कंपाइलर विल टेक द स्पेसिफाइड पैकेज नेम, सर कंपाइलर एक विल, मिनट। हाँ, कंपाइलर विल टेक विल टेक द स्पेसिफाइड पैकेज नेम स्पेसिफाइड पैकेज नेम फ्रॉम फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट। सेम ही चल रहा है। थर्ड पॉइंट, कंपाइलर विल चेक वेदर द स्पेसिफाइड पैकेजेस, कंपाइलर विल चेक वेदर स्पेसिफाइड पैकेजेस कंपाइलर विल चेक वेदर द स्पेसिफाइड पैकेजेस कंपाइलर विल चेक वेदर दी स्पेसिफाइड पैकेजेस एक आर एग्जिस्टेड, आर एग्जिस्ट, एग्जिस्टेड और जी सर, नॉट इन जावा सॉफ्टवेयर। सेम ही है, उसके अंदर प्री प्रोसेसर चेक कर रहा था, इसके अंदर कंपाइलर चेक जी सर। कर रहा है। अगला पॉइंट लिखो, इफ द स्पेसिफाइड पैकेजेस आर नॉट एग्जिस्टेड, इफ स्पेसिफाइड पैकेजेस आर नॉट एग्जिस्टेड, इफ द स्पेसिफाइड पैकेजेस आर नॉट एग्जिस्टेड, आर नॉट, एग्जिस्टेड जी सर, इन जावा प्री डिफाइंड लाइब्रेरी, इफ द स्पेसिफाइड पैकेजेस आर नॉट एग्जिस्टेड इन जावा प्री डिफाइंड लाइब्रेरी जी देन कंपाइलर विल राइज एन एरर। लिख लिया? जी सर, लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो, इफ द स्पेसिफाइड पैकेजेस आर एग्जिस्टेड इन जावा If the specified packages are existent in Java predefined library, if the specified packages are existed in Java predefined library, जी सर, then compiler, देन कंपाइलर, will not raise any error. कंपाइलर विल नॉट राइज एनी एरर एंड कंपाइलर एंड कंपाइलर विल नॉट राइज एनी एरर एंड कंपाइलर विल नॉट लोड एंड द कंपाइलर नॉट will not load load any package content to memory. ठीक है, इसमें देखो, इसमें और C और C++ में क्या डिफरेंस है? C और C++ में क्या था कि प्री प्रोसेसर
चेक कर रहा था भाई, जितनी भी हमारी इंक्लूड स्टेटमेंट्स हैं इसके अंदर आपका कंपाइलर चेक कर रहा है इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को, उसके अंदर आपका जो प्री प्रोसेसर था वो चेक कर रहा था, पैकेजेस नेम उसके अंदर था, आपका हेडर फाइल्स थी इसके अंदर आपके पैकेजेस नेम को चेक कर रहा है। इसके बाद फिर चेक कर रहा है कि अगर ये एग्जिस्ट करती है, सॉरी अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है तो एरर दे देता है, और अगर एग्जिस्ट करती है तो ये कोई एरर नहीं देता। और उसमें क्या हो रहा था, अगर एग्जिस्ट करती है तो उसमें लोड कर रहा था, याद है? एग्जिस्ट नहीं करती तो लोड कर रहा था। उसमें अगर एग्जिस्ट करती है सी और सी प्लस प्लस में, अगर कोई आपकी लाइब्रेरी या हेडर फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको क्या कर रहा था, लाइब्रेरी को लोड कर रहा था, याद है लास्ट अच्छा पॉइंट जी 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 लोड कर रहा था। है दिस? और हमने बोला था दैट इज कॉल्ड अ स्टैटिक लोडिंग। लेकिन जावा के अंदर अगर स्पेसिफाइड पैकेज एग्जिस्ट करता है तो कंपाइलर एरर नहीं देता और ना ही उसको लोड करता है, ठीक है? लोड में फर्क कैसा, लोड थोड़ा लोड किस तरीके से। जो प्रोग्राम है जब आप कंपाइल करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, जो उसको प्रोसेस करके नहीं है, आप सी के अंदर क्या करते हो, प्रोसेस करके आप कोड के अंदर ही डाल देते हो। जब आप रन कराते हो तो वो सारा का सारा बना बनाया कोड होता है आपका। अच्छा जावा के अंदर आपके क्या होता है, जावा में वेरीफाई करके ओके बोल देता है, लेकिन जो आपका जो इंपोर्ट स्टेटमेंट्स की जो आपकी पैकेजेस हैं उनको वो लोड नहीं करता, ठीक है? ये कब लोड करता है, ये आपका रन टाइम पे लोड करता है। जब रन करता हूँ उस टाइम हाँ, अब इसमें आगे थोड़ा सा और लिख लो। मैं, मतलब उसमें ये है कि वो हैंड टू हैंड बताता रहेगा सी एंड सी प्लस प्लस वाला। हाँ और जावा में क्या है कि पूरा आप कोड लिख लो उसके बाद कंपाइल करते समय बोलेगा। नहीं, सी और सी प्लस प्लस में भी जब आप कंपाइल करते हो जब एरर देगा वो, ठीक है? लेकिन जब आप कंपाइल करोगे तो जो भी लाइब्रेरीज हैं, जो भी उसके क्या कहते हैं हेडर फाइल्स हैं, उनको वो लोड करके कोड के अंदर डाल देते हैं। जो भी उनका कोड होता है ना हेडर फाइल का, मान लो 10,000 लाइन का कोड है, तो वो आपका उस जो आपने कोड लिखा है 4 लाइन का 5 लाइन का, उसके अंदर उसको इंक्लूड करा देता है। अच्छा सी जावा के अंदर ऐसा नहीं होता। जावा के अंदर कब कराता है, आपका रन टाइम पे। समझ गया था, रन टाइम पे होता। ठीक है, इसमें एक लाइन और लिख लो, इसके बाद हम सेशन क्लोज करते हैं। अगला सिक्स आई पॉइंट थिंक एफ ना ना 6 पॉइंट नहीं है, इसमें अलग से लिख लो। व्हाइल एग्जीक्यूटिंग जावा प्रोग्राम, एक मिनट सर, वाइल एग्जीक्यूटिंग जावा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम। व्हाइल एग्जीक्यूटिंग जावा प्रोग्राम व्हेन JVM, वेन JVM जावा वर्चुअल जेबी मशीन, जावा वर्चुअल मशीन हाँ जी सर। एक मिनट, ठीक है, ओके। इसमें लिख लो व्हेन एग्जीक्यूटिंग जावा प्रोग्राम, सॉरी व्हाइल एग्जीक्यूटिंग जावा प्रोग्राम व्हेन JVM एनकाउंटर्स एनी क्लास और इंटरफेस, JVM एनकाउंटर्स हाँ एनकाउंटर्स, एनकाउंटर मतलब कि वैसा वाला एनकाउंटर नहीं, पुलिस वाला नहीं, मतलब उसने देख लिया, ठीक है, उसको मिला कुछ, है ना? When JVM encounter any class or interface एनी क्लास और interface इंटरफेस from the specified package फ्रॉम दी specified package स्पेसिफाइड पैकेज then only देन ओनली जीबीएम JVM load the required classes. लोड दी Required classes रिक्वायर्ड क्लासेस and interfaces. इंटरफेस To the memory at runtime.
मेमोरी एट रन टाइम, ना, लोडिंग प्री डिफाइंड लाइब्रेरी, कैसी क्या लगवा दिया है कह रहे हो? ये? कोई पॉइंट नहीं है सर, सिक्स जो ये ऐसी नॉर्मल एक जावा का वो लिखवाया आपने। लिख लो 6 पॉइंट लिख लो। मेन मेन पॉइंट इसका है, इन सब में डिफरेंस इसी से आपको पता लगेगा। इसको 6 पॉइंट लिख लूँ सर मैं इसको? 6 पॉइंट बना लो, ठीक है? इसमें लिख लो आगे, लोडिंग प्री डिफाइंड लाइब्रेरी एंड रन टाइम। लोडिंग इसकी प्री आगे हाँ, इसमें आगे लिखो, लोडिंग प्री डिफाइंड लाइब्रेरी, लोडिंग प्री डिफाइंड लाइब्रेरी एट रन टाइम इज कॉल्ड एज डायनेमिक लोडिंग, एट रन टाइम इज कॉल्ड एज डायनेमिक लोडिंग। इसके अंदर आप एक चीज आपने गौर करी होगी, ये जो मैंने लास्ट वाला पॉइंट लिखाया है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? मैंने लाइब्रेरीज तो इम्पोर्ट कराई थी, लेकिन इसने सारी लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट नहीं करा है। इसने बस चेक कर लिया कि ये लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती है नहीं करती। जब हमने इनकी क्लासेस को यूज करा है अपने कोड में, उस टाइम पे उस पर्टिकुलर क्लास और इंटरफेस को इसने इंक्लूड करा है रन टाइम में, क्योंकि कोड को रन टाइम पे ही समझ में आता है कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज हो रही हैं, ठीक है ना? अच्छा सर, ठीक है, मतलब इसमें भी अलग अलग लाइब्रेरी का सिस्टम है। हाँ। ये सारी की सारी जैसे जावा डॉट आईओ मैंने यूज कर लिया, इंपोर्ट करा लिया पैकेज, ठीक है? इस पैकेज को मैंने इंपोर्ट करा लिया, लेकिन इस पैकेज की कोई सी भी क्लास और इंटरफेस को अगर मैं यूज नहीं कर रहा अपने कोड में, तो इसको इस कोड को अपने जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है उसके अंदर इंक्लूड कराने का जावा का कोई सेंस नहीं बनता। उससे हमारी एक्स्ट्रा मेमोरी ही कंज्यूम हो रही है। क्लियर है? ठीक क्लियर है सर, क्लियर है। है ना? मतलब जो पैकेज है उसी की ही क्लास होनी चाहिए। नहीं, जो पैकेज है अगर हम उसकी क्लास को अपने कोड में यूज कर रहे हैं, तभी वो पैकेज आपका, जो पैकेज का आपका कोड है लाइब्रेरी इसके अंदर की, वो सारी अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होती करेक्ट है, मतलब एक तरीके से इंक्लूड हो। है ना? आपने बोला मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है? अब मैंने अपने एक जगह रख लिए, अब मेरे पास तो हैं, लेकिन जब तक मेरे को वो यूज में नहीं आएंगे, मैं उनको नहीं छेड़ूंगा, मैं उनको निकालूंगा नहीं वहां से, जी ठीक है? सी और सी प्लस प्लस में क्या हो रहा था कि उसने बोला कि मेरे पास फलाना चीज है, और वो फलाना चीज अपने साथ लेके मूव ऑन कर रहा था हमेशा, चाहे वो यूज हो चाहे ना हो। अच्छा सर, आया? चलो उत्कर्ष, आज का सेशन यही ड्रॉप करते हैं।